लेकिन ये आंतरिक आध्यात्मिक साधना के विषय हुआ करते थे। गांधी जी ने जो बड़ा आविष्कार किया, जिसका आपने जिक्र किया और उसका बार बार जिक्र होता है और होना ही चाहिए, वो ये कि आध्यात्मिक आंतरिक साधना के इस प्रयोग को वहाँ से उठाकर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक प्रतिकार के अस्त्र के तौर पर हमें सौंपा। तो ये सत्य अहिंसा की जो मशाल जो ऋषि मुनियों ने जलाई, जिसे गांधी जी ने हमारे निर्बल हाथों में सौंपा, उस मशाल को एक पीढ़ी के आगे दूसरी, दूसरी के आगे तीसरी पीढ़ी तक चलाते रहने की ज़रूरत है, जिससे कि ये मशाल बुझने न पाए, ये रिले रेस ये ख़त्म न होने पाए, ये काम चलता रहे। तो जो कुछ मैंने अभी आपको पुराना जो वृत्तांत बताया, उसके बाद सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष में एक समागम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप सबके सहयोग से, गांधी शांति प्रतिष्ठान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अनेक अनेक संस्थाओं के सहयोग से एक प्रोफेसर आनंद कुमार ने एक समागम किया, सत्याग्रह शताब्दी समागम। उस मौके पर एक उनके पत्रों को लेकर और उनकी जो चर्चा है उनको लेकर एक प्रकाशन हुआ, गांधी मार्ग की विश्व व्यापकता। इस शीर्षक से हिंदी संस्करण उपलब्ध है और कई हमारे जाने माने हिंदी लेखक भी तब तक उसका मान नहीं करते जब तक कि उसके अंग्रेजी रूपांतर का, संस्करण का जिक्र न हो जाए। इस समिति ने इसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गांधीयन वे शीर्षक से प्रकाशित किया है, ये उपलब्ध है। लेकिन आजकल इन सब प्रकाशनों की ऐसी दुर्दशा है कि ये सब सामने है और कोई आपको भेंट भी कर दे तो कोई उसको पढ़ता नहीं। मैंने पहले भी शायद कभी कहा हो कि लोग उसे देखते हैं। हाँ, मैंने देखा कि वो गांधी मार्ग की विश्वव्यापकता का एक प्रकाशन हुआ है। नहीं, देखने से क्या होने वाला है, उसके अंदर प्रवेश तो करिए। खैर, जो भी हो, तो मैं उसका जिक्र इसलिए करता हूँ कि उसमें जो इस क्षेत्र में सक्रिय लोग थे और जो इसके शास्त्र के जानकार थे, और सिर्फ शास्त्र के ही नहीं व्यवहार के भी, उनका एक समागम हुआ। मुझे भी उसमें भाग लेने का योगायोग हुआ। प्रोफेसर समदंग रिंपोचे के साथ गांधी स्मृति में एक रात्रिकालीन सत्र में उन सब का बखान हुआ। तो मैं संक्षेप के लिए भी, सुविधा के लिए भी सिर्फ उस प्रकाशन का जिक्र कर देना चाहता हूँ। ऐसे भी बहुत समय तक प्रोफेसरी की है तो हम लोगों की आदत हुआ करती थी कि अपने कुछ रेफरेंसेस दिया करते थे कि ये देख लीजिए, ये जानते हुए भी कि कोई माई का लाल पढ़ने वाला नहीं है या इक्का दुक्का कोई इन्हें देखने वाला है, लेकिन हम भी अपनी आदत से मजबूर थे तो ऐसे संदर्भ, ऐसे रेफरेंस दिया करते थे।
तो ऐसा एक रेफरेंस मैंने आपको दिया है, अगर कहीं आपको ये दिखे या आप चेष्टा करके प्राप्त करें तो उसको देख सकते हैं। इसमें उसकी विश्वव्यापकता का एक संक्षेप में स्पर्श हुआ है, उसे कौन छू सकता है। विश्व कोई ऐसी, जैसा कि एक छोटे से शब्द में कह देते हैं, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है और इसके आंदोलन दुनिया भर में बिखरे हुए हैं और आज भी चल रहे हैं। उसके बाद वो गति वही नहीं रुक गई जिसे पिछले दिनों अरब स्प्रिंग, अरब वसंत का नाम दिया, वो अरब वसंत भी आ चुका है। अब तो शायद उसका शरद काल शुरू हो रहा है, तो शरदकालीन दशा में वो वसंत आ गया हो। जो भी हो, तो अरब वसंत जो कुछ बर्मा में जो अफ्रीका में जो कुछ भी चल रहा है, उन सब का एक लेखा जोखा जिनकी रुचि हो और गति हो वो वहाँ देख सकते हैं। तो अगर वही देखना था तो आपके व्याख्यान की क्या ज़रूरत, हम उसको देख लेते। आप किस बात के लिए यहाँ हैं? तो इसलिए मैं क्या करूं, मेरे सामने दो रास्ते दिख पड़ते थे। एक तो वर्णन विश्लेषण का, उनका वर्णन करूं और फिर उनका विश्लेषण करूं और उसके नतीजे निकालूं और वो आप तक पहुंचा दूं। तो वर्णन विश्लेषण के तरीके की जो दिक्कतें हैं वो मैं अभी बखान कर चुका, इसलिए उसमें तो पढ़ता नहीं। इसलिए दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि सिद्धांत विश्लेषण किए जाए, जो इन आंदोलनों में निहित सैद्धांतिक प्रश्न उठते हैं। ये सिद्धांत कोई भौतिकी के सिद्धांत या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के, तो सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत बनते हैं, राजशास्त्र के, ऐसे सिद्धांत नहीं हैं। ये व्यवहार से उपजे हुए सिद्धांत हैं, जो व्यवहारों में निहित कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों के बारे में, उनके सैद्धांतिक प्रश्नों के बारे में जो चर्चा चल रही है उसका कुछ आपको परिचय दूँ। तो यह भी कोई कम चीज नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब वो आपके पास देर सवेर लिखित व्याख्यान पहुँचे तो वहाँ आप पाएंगे कि एक आंदोलन का जिक्र करने का लोभ संवरण न कर सका। उसका जिक्र यहाँ किसी ने परिचय देते हुए कहा, रंका थाना, बढ़वा तहसील, पलामू जिला, ये सब तब बिहार का अंग होता था, अब वो झारखंड के अंतर्गत है। तो अपने विश्वविद्यालय के दिनों और जेल यात्रा आप कल्पना करेंगे कि काशी से विक्टोरिया महारानी की मूर्ति हटाने के, न हटाने पर तोड़ने के आरोप में हम सबको 19 महीने की सख्त कैद की सज़ा हुई और उसके ऊपर जुर्माना भी लगा। और जब उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी से लोगों ने शिकायत की कि ये क्या है,
ये विक्टोरिया के प्रतिमा थोड़ा ये लोग थोड़ा उन्होंने जागृति की, लेकिन इसके लिए आज़ाद भारत में 19 महीने की सख्त कैद, ये कोई बात हुई? तो संपूर्णानंद जी तो हम लोगों के परिवार के एक बुजुर्ग थे, सदस्य थे, उन्होंने कहा कि कृष्णनाथ को मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर वो महमूद गजनवी बनना चाहेंगे और मूर्तियाँ तोड़ते फिरेंगे तो फिर तो सजा होगी, फिर वो सजा झेले, कानून तोड़ने की जो सजा होती है वो तो महमूद गजनवी तो निकल गए उस जमाने के थे, लेकिन ये तो नहीं निकल सकते, इनको तो ये झेल नहीं है। जो वो सब कर करा के मैं गुलामों के जंगलों में और बियाबानों में चला गया था। पलामू बिहार में भी एक दुर्गम जिला था, वो मुजफ्फरपुर की तरह से और ऐसा कोई गंगा की घाटी वाला नहीं, एक दुर्गम प्रदेश था। लोग वहाँ अगर कोई कहे कि कहाँ गए हैं तो क्या पलामू गए हैं, यानी इतनी दूर गए हैं जहाँ भी किसी का कुछ अता पता नहीं लगता, क्या पलामू चले गए हैं, उनका कोई पता ही नहीं है। तो मैं जानबूझकर पलामू को चुन के वहाँ गया और वहाँ आदिवासियों की सांसों के साथ, उनके संघर्षों के साथ एकाकार होने की चेष्टा में था। और उन दिनों वहाँ भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, अन्न का तो अकाल था ही, जल का भी अकाल था। एक दिन मुझे याद है 18 मील हम लोग सुबह से निकले 18 मील चले, जंगल में आग लगी हुई थी और एक बूंद जल, एक बूंद, मैं आपको कसदन कहता हूं कि एक बूंद जल भी नहीं था। कैसे उस अग्नि के बीच से गुजरा पता नहीं। तो उस रंका थाने के आंदोलन का जिक्र है, उसका जिक्र इसलिए भी करता हूँ कि उसे हम लोग तो दूर के इलाके में थे, कहाँ से डॉक्टर लोहिया को खबर लगी, उन्होंने पता पता करके और पटना में, आरा में, बक्सर में, यहाँ वहाँ भाषण देके हैदराबाद में दूर दूर उसको प्रचारित कर दिया और उसका नाम भी एक दे दिया, घेरा डालो आंदोलन। तो घेरा डालो आंदोलन एक प्रकार उस समय में निकला। अब उसका विस्तार यहाँ करूँ तो बहुत समय लगेगा और वो कुछ वहाँ अगर आपको जचे तो आप उसको पलट डालिएगा, उसमें भी विस्तार के भय से बहुत सी बातें नहीं लिखी गई हैं, नहीं कही गई हैं, जो भी हो। तो घेरा डालो वहाँ से निकल कर अब प्रचलित जब हुआ तो बंगाल में हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने उसको लोक लिया और लोक करके, लेकिन वो तो अपनी हरकत से बाज नहीं आते, उन्होंने उसको घेराव, घेरा डालो, तो अब वो तो उकाब होना चाहिए तो घेराव, घेराव की संज्ञा दी। और उस घेरा डालो आंदोलन की जो विशेषता थी कि उसमें एक शराफत थी, एक शालीनता थी, जिस शालीनता के वश वहाँ के जो दरोगा थे और भी अधिकारी थे और उनके ऊपर के अधिकारी, उन सब ने कुछ राहत का काम शुरू किया था, उस शालीनता के साथ उन्होंने कुछ अपना पुट भी लगाया। वो घेराव आजकल भी चलता है, घेराव, गरियाव और लतियाव, जुतियाव, ये सब बनारस में उसके प्रयोग सब हैं। तो वो घेराव
वो हो गया, लेकिन मूल रूप से वो घेरा डालो आंदोलन के तौर पर, और हम लोगों ने कोई शुरू नहीं किया था, उनके ही आदिवासियों ने कहा कि अब हम कहाँ लौट कर जाएंगे, जो कुछ करना है वो आज यहीं करिए, अभी करिए। तो उनको लेकर उस भीड़ के आगे आगे कि हम लोग उस थाने को घेर कर, और थाना उन दिनों में बिहार में एक खास इकाई हुआ करता था, जिले से ज़्यादा थाने का दबदबा था, उस थाने को घेर के बैठे और क्या क्या हुआ वो सब अलग एक कथा है, तो उसका जिक्र तो वहाँ है। किंतु बहुत करके मैं सिद्धांत विश्लेषण के पक्ष पर ही कुछ एक बातें और कहना चाहूँगा, और वो सिद्धांत जैसा मैंने शुरू में कहा कि उसी व्यवहार के क्रम से उपजता था। एक पहली सैद्धांतिक आपत्ति थी, क्रम कुछ होगा कि एक पूर्व पक्ष रखा जाए, फिर उसका खंडन किया जाए, और फिर उसके बाद स्वपक्ष की स्थापना की जाए। इतना सब विस्तार से करने का जो एक पुराना तरीका है उसके लिए तो अवकाश नहीं, लेकिन एक उस समय का जो पूर्व पक्ष था, एक आपत्ति थी, वो ये थी कि गांधी जी ने अंग्रेजी राज के समय में स्वराज्य के लिए एक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया, व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह के सब प्रयोग हुए, अब तो स्वराज्य आ गए, अब आप लोग क्या आंदोलन करते हैं, हम लोग वो लोग हम लोगों के ही बुजुर्गों में थे, वो कहते थे हम लोग तो अंग्रेजों से लड़े और आप हमें से लड़ने के लिए यहाँ उतारू हो गए हैं, और जो लोग सत्ता में होते हैं वो उनका स्नेह भी और उनका दबदबा भी, उनका लाभदा भी, वो सब भी होता है। श्री प्रकाश जी कई राज्यों के राज्यपाल थे, वो कहते थे कि ये देखिए हम लोग तो अंग्रेज से लड़ते थे और ये हैं ये हमसे लड़ने चले आए, इत्यादि इत्यादि। तो वो लोग कहते थे कि स्वराज्य हो गया तो अब आंदोलन की क्या जरूरत है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इनके अगुआ थे, वो ऐसे भी अपने भारी भरकम शरीर और अपनी हैसियत के कारण वो एक एक एक, एक शख्सियत थे, वो कहते थे कि अब तो स्वराज्य ही नहीं जनतंत्र भी है, अगर हमारे में कोई कमी है तो उसका प्रचार करके और उन कमियों को बता के जनमत को जागृत करके इस सरकार को वो पलट सकते हैं। तो स्वराज्य है, जनतंत्र है, जनतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार सबको संविधान ने दिया है, वो अधिकार कितना कागज़ पर है और कितना सचमुच की अभिव्यक्ति पर है वो जो लोग उससे जूझते हैं वो जानते हैं, लेकिन अधिकार तो है। तो अब स्वराज्य में और जनतंत्र में विशेष करके सत्याग्रह की क्या आवश्यकता है, इसका आपने जिक्र किया, ये प्रश्न को उपस्थित करते थे। ये प्रश्न भी पुराना है और इसका उत्तर भी पुराना है। अगर आप गांधी जी की रचनाओं को खंगाल के देखें तो उन्होंने कहा कि ये लड़ाई तो कोई सिर्फ स्वराज्य के लिए नहीं है, ये जो सविनय अवज्ञा है, सिविल नाफरमानी है, ये तो स्वाभिमान से जीने का एक 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 जीवन का तरीका है, एक जीवन पद्धति है, वो बात नहीं उभर रही है जिसे आप लोग आजकल वे ऑफ लाइफ कहते हैं, ये वो तो एक जीवन की पद्धति है कि अन्याय देखा और उसका तत्क्षण प्रतिकार किया, अगर बड़ा अन्याय है तो सामूहिक प्रतिकार का एक आंदोलन किया। तो ये तो एक ऐसा सिविल नाफरमानी सविनय अवज्ञा का एक ऐसा तरीका है जिसकी ज़रूरत न सिर्फ आज के आंदोलन में, स्वराज्य के आंदोलन में है, बल्कि इसके बाद भी है। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर मैं स्वराज्य के होने के बाद भी जीवित रहा तो इससे भी प्रखर और प्रचंड रूप में इस सत्याग्रह का
मैं प्रयोग करूंगा और उस समय के जो अन्याय होंगे उनका मैं सामना करूंगा। और सचमुच वो अपने शब्दों पर खड़े उतरे, नहीं तो उस समय में किसी को गोली मारने की क्या जरूरत उनको पड़ती, वो उस पर खड़े उतरे। तो ये तो एक जीवन का तरीका है, एक 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 अन्याय है, देखते हुए अन्याय है, जाहिर अन्याय है, और देख करके भी जो एक मन में कुछ एक गुस्सा आता है, एक एक औंज सी होती है, एक घुटन सी होती है कि ये हमारे सामने हो रहा है और हम यहाँ हैं और कुछ कर नहीं सकते। मैं किन्नौर में एक अकेली पगडंडी पर चला जा रहा था, एक आदमी आधे नशे में आधे होश में अपनी बीवी को पीट रहा, कोई कारण नहीं समझ में आता, वो पीट रहा है और वो चिल्ला रही। मैं अकेला जा रहा था, दूसरा देश, कोई साथी नहीं। मैंने कहा ये क्या करते, तो उसने मुझको देखा और उसको लगा कि ये जब डपट रहे हैं तो किसी अधिकार से डपटते होंगे। तो वो रुकी, उसने कहा कि मैंने इसकी चमड़ी खरीदी है और ये दूसरे के साथ घोंसला बनाती है, मैं पीटता हूँ तो तुम बोलने वाले कौन। अरे मैंने कहा कि तुम इस तरह से सरेआम यहाँ ज्यादती कर रहे हो और मैं और मुझसे ही पूछते हो। तो वो सामने कुछ हो रहा है, स्त्री तो आपने लिखा कि अहिंसा की मूरत होती है, वो अहिंसा की मूरत तो क्षत विक्षत हो रही थी, खंड खंड हो रही थी और कुछ सिर्फ चीख के अलावा कुछ नहीं निकलती। तो सामने आंख के सामने एक अन्याय हो रहा है और हम उसे देख रहे हैं और कुछ कर न पाए, तो इसमें एक 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 ग्लानी आती है अपने मन में और उस समय में उस तत्क्षण प्रतिकार का एक उन्मेष आता है। अगर उसको न जिए और उसे 5 साल तक, जब अगला चुनाव आएगा, आने वाला है, तो उस समय तक इंतज़ार करें, तब तक तो वो इतना जड़ीभूत हो जाएगा, इतना पूंजीभूत हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अन्याय ही आपको छोप लेगा। वैसे भी सत्य अल्पकाल में दुर्बल होता है और असत्य और अन्याय अल्पकाल में प्रबल होता है, और उसको अगर आप मौका दे दें अगले चुनाव तक का, तब तो उसके ख़त्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वो पंचवर्षीय योजनाओं की तरह से, वो शैतान की हथेली की तरह से, वो उसका विस्तार होते ही चला जाएगा। इसलिए उसके तो तत्क्षण प्रतिकार की आवश्यकता होती है। हाँ, ये व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर अगर बड़ा अन्याय है तो उस बड़े अन्याय के प्रतिकार के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है और उसके लिए कुछ मोहलत दी जा सकती है। लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में अगर अन्याय का तत्क्षण प्रतिकार न हो तो फिर वो अन्याय तो फिर जड़ जमा देता है। तो इसलिए ये तर्क कि जनतंत्र है और चुनाव है, सत्ता परिवर्तन होता है, और क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कई दौर से हम गुजर चुके हैं, उलट उलट करके इसको देख लिया कि इसकी क्या दशा है, तो उसमें से वो अन्याय कहाँ खत्म होता। तो ये एक आपत्ति है और इसलिए उसके तत्क्षण प्रतिकार की आवश्यकता सदा सर्वदा सर्वत्र होगी। यहाँ एक बात का जिक्र न करूँ तो लगेगा कि पहले और तो जगह में बहुत कुछ कहा, लेकिन गांधी शांति प्रतिष्ठान है, एक आखिर प्रतिष्ठान है, तो यहाँ बच के निकल गए और उस बात का जिक्र भी नहीं किया, तो मैं उसका भी जिक्र करूँ। हमारे बहुत ही महनीय संत महात्मा